एंड भाई जो अभी अभी बिल्कुल देखा वो तो ये था कि मोहम्मद शमी आते हैं, उनको वापस बुलाया जाता है कि भाई जरा वापस आओ, ये आखिरी ओवर तो डालो, और आखिरी ओवर में 4 बॉलों पे 4 विकेट ही लिसन, बदल गई, जगह बदल गई, सूर्य कुमार यादव सूर्य उसी कुमार का भी यादव की खेलते रहे। फॉर्म नहीं बदली, वो यस फॉर्म वैसी ही लगी हुई है। तो जो बल्लेबाजी आज केएल राहुल ने की है, ये ना हो कि केएल राहुल हमें नानी याद करवा दे। इंडिया जैसी टीमों के पास 10 परफॉर्मर है, उनमें से 10 में से कोई भी एक चल जाएगा, फर्क ये है। यानी आपके 2-3 प्लेयर हैं, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दे दी तो दे दी, कह रहा हूँ कि अल्लाह ही हाफिज है। पर तो फिर क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही हाफिज है। हालांकि मैच तो जितवाने वाला एक ही बंदा है, विराट कोहली, एक जो उसने रन आउट किया उसके बाद जो उसने कैच पकड़ा बाउंड्री से एक हाथ का ले। आज भी केएल राहुल की जो फॉर्म है, रोहित शर्मा के साथ बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं दोनों एज ओपनिंग प्लेयर, तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी ऑब्वियसली बजा दी है इनके बैट्समैनों ने। कुमार यादव के अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल है, वो हर किसी में नहीं है। वो बता दिया है कि 23 अक्टूबर 2022 को जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें मैच शायद वन साइड आउट हो के इंडिया जीत सकता है। अगर यही हालात और यही परफॉर्मेंस रहा तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता कि पहले ही राउंड से बाहर हो जाए। वर्ल्ड कप की काफी मुझे एक्साइटमेंट है, रात को मुझे नींद नहीं आ रही, 2 दिन हो गए हैं। इंडिया में जनाब वो केएल राहुल होगा, रोहित शर्मा होगा, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, इनको पता है कि अगर इसमें से कोई बंदा रिप्लेस करेंगे तो 120% दूसरा जो बंदा आएगा वो 120% होगा। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी राहुल साहब, साल धोखा दिया इन्होंने, और एंड पे आके जब टाइम आया वर्ल्ड कप का तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा जिसमें आप देख सकते हैं कि आज प्रैक्टिस मैच थे भारत और ऑस्ट्रेलिया का, साथ ही साथ पाकिस्तान का भी मैच था, लेकिन पाकिस्तान का जो एक सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह चैनल है वो भारत के मैच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रीज़न वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पाकिस्तान अपना मैच हार गया, भारत अपना मैच जीत गया। भारत ये आप समझें ये प्रैक्टिस मैच है, कुछ इतना सीरियस ना लें, डेविड वार्नर नहीं खेले, भारत भी ऐसा खेल रहा था कि मतलब आप समझे विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चले, केएल राहुल चले जो कि अच्छी बात है, सूर्या भाई फॉर्म में है, उन्होंने रन बनाए। साथ ही साथ इंडिया की जो बॉलिंग की प्रॉब्लम है, समी कुछ होप दे रहे हैं, अगर समी इस वर्ल्ड कप में बुमराह की जगह फुलफिल करते हैं तो जो कि बहुत अच्छी बात होगी। पाकिस्तान का मैच था जिसमें बाबर अजमान नहीं खेले, पाकिस्तान के मेन प्लेयर तो आप समझ जाएं, लेकिन उसके बाद भी इंग्लैंड ने 14 ओवर में 160 रन चेस कर लिए, यानी इंग्लैंड सबसे खतरनाक टीम लग रही है इस वर्ल्ड कप की। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को, सूर्य कुमार यादव जैसे लड़के हमें चाहिए, नहीं तो हम मैच नहीं जीत सकते। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, अगर पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस करना है तो सूर्य कुमार यादव के जैसे लड़के लाना चाहिए। क्या केएल राहुल डेंजर मैन साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? लग तो ऐसा ही रहा कि खतरनाक साबित हो सकता है। उससे कैसे छुटकारा हासिल करें फिर? उसके लिए तो मोहम्मद आमिर सही था, लेकिन मोहम्मद आमिर को खिलाया ही नहीं इन लोगों ने, ये तो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह बहुत फॉर्म में है, और जिस तरह के दानी जो है यंग टैलेंट है, वो भी इंशाल्लाह अगर खिला लिए उसको तो इंशाल्लाह वो भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ। बाकी इंडिया चेजिंग में काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। कल इंडिया ने वार्म अप मैच में 180 प्लस किया, क्या लगता है आपको पाकिस्तान पहले बैटिंग या बॉलिंग? यार पाकिस्तान को तो पहले बैटिंग ही करनी चाहिए आई थिंक। टारगेट कितना देना चाहिए? टारगेट तो 190 प्लस। 190 प्लस बनाएगा कौन? इंशाल्लाह फखर जमान, बाबर आजम एंड हैदर अली। पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी इस जैसी टीम को हराने के लिए। इंडिया का मैच शायद कंडीशन के लिहाज से हमें जो लग रहा है ना कि इतना आसान या नहीं हो सकता है कुछ है, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। बिल्कुल देखें इंडिया की टीम तो कुछ अरसे देख लें, कुछ सालों से बल्कि देख लें, वो हर ICC इवेंट में टॉप फेवरेट के तौर पे उतरती है, और उसकी वजह ये है जीत नहीं पाते वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो एंड टाइम पे साउथ अफ्रीका को हम लोग चोकर बोलते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया को चोकर बोल देना चाहिए क्योंकि वो नॉकआउट में जाके हार जाते हैं। लेकिन देखें उनकी बैटिंग में जो उनका टॉप ऑर्डर है ना वो हमेशा से स्ट्रांग रहा है, धवन चले गए, अब केएल राहुल आ गए, लेकिन स्ट्रांग है। मसला आता है उनके मिडिल ऑर्डर में, और अभी भी देखें सूर्य कुमार यादव उनकी मिडिल ऑर्डर में है, और कुछ मेरे ख्याल से जिसे आपने बोला बिल्कुल आसान नहीं होगा पाकिस्तान को हराने के लिए। लेकिन देखें T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जो जिस दिन किसी एक प्लेयर का भी दिन होना वो अकेला भी मैच निकाल सकता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास ऐसे बासलाहियत प्लेयर हैं जो उस दिन अगर चल गए तो मेरे ख्याल से जीत जाएंगे। भारत के हवाले से जो बात की ना, अच्छी टैगलाइन दे दी यहाँ पर कि चौकर्स, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होती है, चाहे वो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का ऑब्वियसली फाइनल हारे हों, 2019 के वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल,
और फिर ऑब्वियसली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारे, तो विराट कोहली के लिए भी ये एक आखिरी टूर्नामेंट है। एंड भाई जो अभी अभी बिल्कुल देखा वो तो ये था कि मोहम्मद शमी आते हैं, उनको वापस बुलाया जाता है कि भाई जरा वापस आओ, ये आखिरी ओवर तो डालो, और आखिरी ओवर में चार बॉलों पे चार विकेट। सवेरा ने जिस तरह यूं किया ना, इसी तरह वो आया मोहम्मद शमी, इसी तरह वो आया चार विकेट, मतलब एक तो रन आउट हो गया भाई, तो इसके अंदर लेकिन तीन विकेट भाई। नहीं रन आउट भी हुआ और फिर खैर वो रन आउट भी मजेदार, और फिर उसके बाद ये विराट कोहली का कैच था जो कि विराट ने ऐसे हाथ ऊपर किया और चिपक गई बॉल, मतलब थोड़ी देर को उनको भी नहीं अंदाजा हुआ कि अच्छा मैं लाइन पे हूँ कि नहीं हूँ। बट यस ये तो सारा कुछ हुआ जो अभी अभी हमने ये हाल देखा और मैंने आपको आके बता दिया, बिकॉज ठक 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 चार विकेट गिरती है ना, तो एक अजीब किस्म का, मुझे तो एटलीस्ट एक अजीब किस्म की एक्साइटमेंट हो जाती, चाहे वो वार्म अप मैच हो या कुछ हो। बट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड अ वेरी गुड वार्म अप मैच के हिसाब से बड़ी अच्छी हमें जो है वो दिखा, एक 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 कंपेटिटिवनेस आपस में दिखी जिस तरह दोनों टीम्स ने मुकाबला किया। द कैप्टन टी20 फॉर्मेट में अबूबकर, और ऑब्वियसली उनके साथ धोनी मौजूद है, रवि शास्त्री मौजूद है, और रवि शास्त्री और विराट कोहली तो कुछ काफी अरसे से एक साथ हैं। पाकिस्तान का तो अगर मामला बाद में डिस्कस करेंगे कि हम माशाल्लाह किस तरह की प्रिपरेशन से आ गए हैं कि हमें कोचेज ही जो है वर्ल्ड कप में डेब्यू कराने पड़ेंगे और हमारे कंसल्टेंट भी नए नए हैं, बट विराट कोहली के लिए यहाँ पॉइंट है प्रूफ करने का। पता नहीं अब उसका नेगेटिव असर होता है पॉजिटिव, कि आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी चांस है टी20 फॉर्मेट में, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा गुफार भाई आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस बार इंडिया या पाकिस्तान कौन जीतेगा, आपकी क्या इसमें? देखिए इतना मुश्किल आपने सवाल कर दिया है और इतने आराम से कि इसका जवाब देने के लिए मुझे बड़ी तमीज बांधनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बकर अभी हम बात कर रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, बड़ी स्ट्रांग टीम है, फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन टीमों को जब आप बहुत अच्छी तरह हराते हैं ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, मोमेंटम भी गेन करते हैं। जो बैटिंग की है ना दाऊद, सही मजे की इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने, वो वन हैंडेडली जो उधर खड़े हुए थे, तीन छक्के उन्होंने मार दिए, छह चौके मार दिए, रोहित शर्मा के साथ खेले थे, रोहित शर्मा का कोई रन ही नहीं 40-45 रन हो गए, रोहित शर्मा का कोई टोटल 3 रन बीच में, केएल राहुल ही खेल रहे थे अपना, वो अपने ही लगे हुए थे वहां पे केएल राहुल, जबरदस्त 78 पर पहली विकेट गिरी है 78 पर, तो देख लेना रोहित शर्मा टोटल 15 रन बनाए, टोटल 15 रन था और सारा रन कोई बाद में बनाया बल्कि साथ, लेकिन भाई क्या कमबैक किया मोहम्मद शमी ने, कमाल, मतलब इट वाज लाइक मैं तो सिर्फ उसके एक वार्म अप मैच के तौर पे देख रहा था, आई जस्ट वांटेड टू सी के यार इंडियन बॉलर्स कैसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन जो शमी ने आखिरी ओवर कराया एक, मतलब तीन विकेटें ले गया और आखिरी चार बॉलों पे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में चार विकेटें गिरी यार, मतलब दे लॉस्ट 6 विकेट्स फॉर जस्ट 9 रन्स, एंड एट वन स्टेज दे वर लुकिंग कंफर्टेबल, दे वर लुकिंग लाइक दे विल विन दिस वार्म अप मैच, क्योंकि 187 का टारगेट था और वो लग रहा था कि वो चेस कर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, भारत ने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको बता दें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बनाए और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 180 रन बना पाई। ऑस्ट्रेलिया कुछ भी कहें आप, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वार्म अप मैच में भी हराना बड़ी बात होती है, हालांकि इंग्लैंड से वो हारते हुए हारे। मुझे इस वर्ल्ड कप के टॉप फेवरेट अगर देखें, टॉप फेवरेट तो इंग्लैंड लग रही है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया, ये तीन टीम बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। इंग्लैंड इस वजह से फेवरेट है क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा, इंडिया की भी बैटिंग बहुत पावरफुल है और इंग्लैंड में एक एक्सपेक्टर है मार्क वुड जो कि काफ़ी, मतलब आप समझे कि अभी पाकिस्तान में 156 क्लिक की है। पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, शाहीन अफरीदी वापस आए हैं जो कि लग रहा है फिट है, इंडिया के खिलाफ खेलेंगे शाहीन अफरीदी। इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर, ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया में पहले बैटिंग करो टी20 जीतो वाला सीन नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है, वहाँ पर ये मैटर नहीं करता, वहाँ पर आप अगर 180 रन बना रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा टारगेट सेट कर रहे हो और आप मैच पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हो। तो इंडिया की बैटिंग अगर 180 प्लस या 200 प्लस का टोटल खड़ा करती है तो हमारी बॉलिंग में इतना दम तो है, भुवी शमी पांड्या तीन पेस बॉलर, चौथा आपको चहल मिलेगा, अश्विन को खिलाएंगे या अपने हर्षल पटेल को खिलाएंगे, इन दोनों में से एक होगा, तो आप समझ जाएं। अब देखते हैं होता क्या है, इंडिया पाकिस्तान का मैच 23 अक्टूबर को है, 24 को है दिवाली, हमारी दिवाली बहुत अच्छी होगी या फिर बहुत ख़राब होगी ये 23 को ही पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आप एशिया कप में एक मैच जीतो एक मैच हारो बर्दाश्त हो जाता है, इतना मैटर नहीं करता, बट वर्ल्ड कप में जो लास्ट ईयर हम हारे थे ना,
याद है, बहुत बुरा लगा था क्योंकि यार एक अनबीटन थी इंडिया हर फॉर्मेट में, मतलब वर्ल्ड कप के। अब T20 में तो बीटन हो चुकी है, 50 ओवर में नहीं है, तो अच्छा नहीं लगा था। हालांकि पाकिस्तान की टीम ख़राब नहीं है, पाकिस्तान में शाहिन शाह अफरीदी, हारिश रऊफ, ये दो बहुत अच्छे बॉलर हैं। नसीम शाह थोड़ा सा भी यंग है, लेकिन हारिश रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, माने ना माने। भले आज प्रैक्टिस मैच में यार कोई इतना एफर्ट नहीं लगाता है, देखा है आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच फुल पैक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, समझ जाएँ आप क्या प्रेशर वाला गेम होगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है।